नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा, डेरा सच्चा सौदा के बारे में हम पब्लिक सर्वे करते हैं, लोगों के बीच में डायरेक्ट पहुंच रहे हैं और उनकी डायरेक्ट कवरेज आपको दिखाते हैं। जानते हैं कि वहां जाने वाली लेडीज का क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा के बारे में। करवाते हैं आपके सीधी बातचीत। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? दर्शना। मैम, डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हैं? हम 40-42 साल से। पूरी फैमिली, हमारी सुरते फिर संभली है डेरा के जुड़ने के बाद। आपकी पूरी फैमिली जाती है? पूरी फैमिली, बिल्कुल, दादा बाबा भी सब। कितनी बार गए हो गए आप डेरा सच्चा सौदा? हम बहुत अनगिनत बार गए। माहौल कैसा लगता है? बहुत अच्छा। मैम, नाइट को भी स्टे किया है कभी? बहुत ज़्यादा। तो बेटियों को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर कैसा माहौल है? हमें तो ऐसा लगता है बेटी जितनी वहाँ पर सुरक्षित है इतनी तो अपने घर में भी नहीं सुरक्षित होगी, कि उसकी माँ है जो वो डरेगी मेरी बेटी को कल्ली नूं कैसे छोड़ के जाऊँ। जो दरबार की मर्यादा है, बहनों की भाइयों का अलग तो बैठना, बहन जी कहना, भाई जी कहना, अपने से बड़े को माँ बाप समझना, आपके बरोबर के को भाई बहन समझना, तो जो उधर की मर्यादा है ना, वो कहने सुनने से परे है। उसमें चाहे बेटी बड़ी जाओ चाहे छोटी जाओ, कोई कमी नहीं है, कोई किसी गल का डर नहीं है। गुरु जी का स्वभाव कैसा है? गुरु जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। गुरु जी एक दयालु है, भगवान है। जिसने गुरु जी को मिल ले, जो गुरु जी के साथ बात होगी, मैं कहने वो सोच नहीं सकता भी रब कोई और होगा, भी उसको तो यही लग रहा है रब तो यही है जो है दुनिया में स्वर्ग। आप लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते? हमारे साथ देखो, बाप की तरह वो व्यवहार करते सी, भाई की तरह वो करते थी, जो हमारे से बड़ी एज की है उनके साथ बेटों के हिसाब से बात करते सी, प्यार करते सबके साथ। उनके बारे में जो इतना कुछ मीडिया में दिखाया गया पिछले 3 सालों में, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत। उसके बारे तो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी जो बच्चियां थी 10वीं करके, उनके साथ बाहर सत्संगा पे जाती, जैसे पिताजी महाराष्ट्र जाते, बाहर जो भी होते सत्संग बहुत जाते, पिताजी सत्संग करते सिरसा में तो बाहर चले जाते, 20-22 दिन बाहर लगाते, उसके बाद आके डेरा में फिर सत्संग करते, फिर आगे जाते, क्योंकि पिताजी ने, गुरु जी ने सारी दुनिया उतारना थी। एक उन्होंने नाम का नाम भी देना, नाम के बहाने शराब छिड़ौनी, जैसे आदिवासियों की बात ले लो, पा उधर ना मऊआ कोई पेड़ है, उसको रगड़ रगड़ के वो शराब पीते सी सारा दिन। उधर हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, बल्कि बहुत लोगों ने बात उठाई भी उधर का जो माहौल है बहुत खराब है। हमने आख्या जो गुरु जी लेके जा रहे हैं ना, तो कोई माहौल खराब नहीं हमारे लिए। तो हमारी बच्चियां, बेटियां, जवान उस टाइम पे महीने दो तीन तीन अनगिनत दिन लगा के आईया ने। तो पिताजी तो देखो बाहर भी बहुत जाते सी हमारे बच्चे साथ में, हमारी बेटियां ने खुद नाल जा के देखे, कभी कोई कमी नहीं आई सी। सब बिल्कुल झूठ है जो पिताजी बारे बोलिया गया, मीडिया ने उठाया गया। जो पिताजी देखो शराब बंद करा रहे हैं, ड्रग माफी है वो सारा क्योंकि संत जी ने 134 मानवता पढ़ाई दे कराई कार्य चलाई, जैसे नापत्ति बीच में भ्रूण हत्या भी आ गई, जो ऐसे ऐसे काम छड़ाई गए सो वही इनके बरखिलाफ हो गए, सारे मनकड़ंत बनाए हुए। जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आरोप भी झूठे हैं, वो भी उनका वही है। जो शराब बंद करा दी वह दुखी हो गए भी साड़ी शराब नहीं बिकती, भ्रूण हत्या बंद करा दी तो डॉक्टर ने बरखिलाफ हो गए, और फिल्मों के थ्रू पिताजी ने दुनिया को सुधारना चाहिया, वो जो अपने कलाकार हैं बॉम्बे वाले हैं वो नाराज हो गए। सब ये मनकड़ंत जो भी कह लो बनाया षडयंत्र है बनाया हुआ पिताजी ने बरखिलाफ। 3-4 साल होने वाले हैं अब गुरुजी समाज में नहीं, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखो जो हर महीने पिताजी सत्संग गुरुजी करते थी, बहुत दुनिया जाती सी नामदान लेन, शराब छोड़ देंदे सी, उनके वचन सुनते सी, 134 मानवता भलाई कराए करने, जिमें गरीब गुरुब उसके मकान बनाने भी, किसी की बेटी ब्याहनी, देखो कर रहे ने पुराने लोग, जो नए ने जुड़ना थे तो रह गए ना इस जगह पर। अच्छा, बाकी भ्रूण हत्या की बात, जो पिताजी ने काम चला दिया, देखो भ्रूण हत्या रुक गई तो लड़कियां कुछ बढ़ोतरी हुई, पर अब लोग चोरियां छुपोरियां फिर करने लग गए, क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं दिख रहा। गुरु जी ने यह कहा थी भी किसी को बेटी फालतू लग दिया अगली, हमें दे जो हम पाल लेंगे आपकी बेटी को, तो अब किसी को ये नहीं दिखता मेरी बेटी को कौन पालेगा, तो चोरियों छुपोरियों को देख के कर ही रहे लोग कुछ, पर गुरु जी के जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहेगा। जरूरत है आज उनकी बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा समाज को बहुत ज़्यादा जरूरत है ऐसा इंसान समाज में होएगा, पता नहीं समाज को कहाँ दी कहाँ पहुँचा देंगे, पहले पहुँचा ही दिया थी तो आज समाज को बहुत ज़्यादा जरूरत है गुरु जी की। पहले क्या काम किए हैं गुरु जी ने? पहले काम बहुत करे हैंगे, कोई काम में कमी कोई नहीं छड़ी, जैसे गरीब गुरु पिता मकान बना दिया, कोई भूखा है उसको राशन दवा दिया, कोई बीमार है उसको इलाज करवा दिया, किसकी बेटी कमारी उसकी शादी करा दी, कोई कमी कौन छोड़ी हैगी, अब वो काम बहुत कम हो रहे ने। हमारे देश के लिए भी कुछ किया गुरु जी? देश के लिए बहुत कुछ करे पिताजी ने, ये जो काम करे हैं सारे देश में आ रहे हैं। देखो जैसे आदिवासी थे उनके कोई शादी नहीं करता सी, तो गुरु जी ने इतने देखो उधर कोई जाके नहीं जाना नहीं पसंद करता, गुरु जी गए, गुरु जी ने उनका सुधार कराया, अब वो है ना अपनी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। गुरु जी कहने उनको भी तो दुनियादारी के हिसाब से रहने का हक है, तो आज उनको जाके मिलो एन बिल्कुल अपने की तरह रह रहे ने, शादी ब्याह हो रहे ने। गुरु जी ने समाज के लिए दुनिया के लिए देश के लिए बहुत कुछ कराया, जैसे महा सफाई अभियान चलाई तो दिल्ली बॉम्बे गंगा इनकी सफाई करने की छोटी बात नहीं हैगी, और सरकार इतने इतने लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, गुरु जी ने कोई आना नहीं खर्च करवाया किसी का, क्योंकि संगत पिता जी दे गुरु जी दे रहे ने तो संगत कर रही सी सेवा, और उनके जाने के बाद फर्क तो पड़े ही है। देखो जो एक बाबा जी की फौज के नाम से पहचानी जाती है, कोई फोर्स बनाई हुई है, क्या है उसकी सिचुएशन? वो जो पिताजी ने ग्रीनेस फोर्स बनाई है ना, वो मर्दों को बचा सकती है, क्योंकि जो एक बूंद खून की है ब्लड की, कोई अपने को नहीं देखेगा जी, वो भी इस तरह देखेगा भी आज इसको ब्लड की जरूरत है, मैं तो आज टल जूं, तो अपने जो कोई सड़क से डिग्गया पे है ना, पता नहीं वो पता नहीं कौन है कौन नहीं, जो गुरु जी ने फोर्स बनाई है ना वो उसको उठा के हॉस्पिटल मिल जाएगी, उनको ब्लड भी करेगी, डोनेट करेगी, और जो भी जरूरत है उसकी सारी सहायता करेगी जी। मैम लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आरोप तो जी देखो जहाँ पर सच्चाई होती है उसके जगह झूठ भी आती है कुछ ना कुछ है, सब ही है षडयंत्र है, जैसे भी मीडिया वाले ला लो, ड्रग माफिया ला लो, शराब वाले ला लो, सारे ने रल मिल के एक षडयंत्र रचा गया। मैम मीडिया में एक टॉपिक उठाया गया था गुफा को लेकर, गुफा की असलियत क्या है? गुफा की असलियत जैसे रब का घर होता है वो घर है, अंदर बार सारा दिखाया गुरु जी ने एक बारी है, कुछ होते चक्कर नहीं। देखो जहां पे कोई रब रहेगा उसका नाम तो दुनिया तो लगती रह कर रखे जाओ, घर तो नहीं रखे कह सकते, जहां पे हमारे गुरुजी रहते हैं इतने इसके पिताजी को गुरुजी गुरुजी कहने वाले, इतनी दुनिया इनके वचन मान रही है, जैसे बॉडी डोनेट हो रही है, कोई बॉडी डोनेट नहीं, पहले कोई आंख नहीं करता सी डोनेट, क्योंकि ये होता भी अगर हमने इसकी आंख दे दी तो अगले जन्म में अंधा हो जाएगा, तो अब बॉडी डोनेट करना कोई छोटी बात नहीं हैगी, आप कह दें इस बुजुर्ग ने सारी उम्र घर में कमाया कि इसके वास्ते 4 किलो लकड़ा नहीं मिलते 10 किलो, तो बॉडी डोनेट का गुरु जी ने काम चलाया, इतने इतने बड़े काम कराए चलाए, तो जो जहाँ पे इतने बड़े संत महात्मा कोई रब रहेगा तो उसका नाम तो कुछ तो अलग तो हो भी गई, गुफा तो और तो उसमें कोई कन्याम तो जाके देखे बहुत बारी। मैम फिर और भी काफी बातें उठाई गई थी, नरकंकाल के बारे में बोला जा रहा था, नरकंकाल कोई वो नहीं है, देखो यह भी एक पिताजी ने जैसे कुछ का बॉडी डोनेट नहीं हो रही आगे नहीं जरूरत, कई बार डॉक्टर भी जवाब देते हैं नहीं जरूरत, तो उसका जो संस्कार किया जाता है ना, तो संगत चाहती सी भी वो चीज भी जो उसकी संस्कार हो गया वो भी आपके चरणों में कैसे ना कैसे आई, तो गुरु जी ने उसी जो अपने फूल कह देते हैं गंगा जमुना कितने भी गिर रहे हो, तो पिताजी ने यही कहा बेटा हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं चाहे तो कोई जहाँ भी पानी मिलता आप उसमें बहा दो, अगर आप जहाँ पे ले आना चाहते हो तो उसको खेत में लेके उसके ऊपर कोई पौधा लगा दो, क्योंकि पौधा बढ़ेगा तो कल को फल देगा साया देगा तो उसमें कोई उसका भी पब्लिक का फायदा होगा, तो जो आपका जीव चला गया दुनिया तो जैसे बॉडी डोनेट काम आती है ऐसे उसके जो फूल है हड्डियाँ हैं वो भी काम आए, उसी को कंगाल कहने लग गए। आप क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो यही मांग करते हैं भी गुरु जी को जल्दी तो जल्दी पब्लिक के दुनिया के बीच में आए, हमारे तो रब है भी पब्लिक के बीच में आएंगे पब्लिक का सुधार होएगा। देखो जो नशा पत्ती है आज जो ऐसा टाइम हो रहा है कोई भी बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, तो सतगुरु आएंगे बहुत लोगों का शराब छड़ाएंगे बहुत उन्हें शिक्षा देंगे, तो बहुत ज़्यादा जरूरत है, हम तो कहते हैं जल्दी से जल्दी उनको भी संगत के पब्लिक के बीच में आना चाहिए। आपको क्या लगता है सजा किसको मिल रही है, संत जी को के पूरे? सजा मिल रही है पब्लिक को, जो पब्लिक है जो अपनी देश है सारा अपने देश को मिल रही है, क्योंकि जो माँ चाहती है मेरा बच्चा संस्कारी बने
उसका बच्चा छोटा सा होता है, कोई ना कोई आगे बेचन का मेरा उसको पुड़ी पकड़ा देता है, उसको कोई नशा देने लग जाता है, वो बच्चे ने तो पता नहीं कुछ। अगर कोई ऐसे संत के पास माँ लेके जाएगी, वो जो इतने इतने बच्चे हमारे बच्चे ना इतने सी जो गुरु जी के पास जाते थे, उनकी शिक्षा आज देखो ना तुम भी, मैं कहने वो पानी नहीं पीते है इस तरह का भी, वो भी ये सोचेंगे जी सतगुरु का हुक्म तां पीए नहीं पीए ना। तो उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत है समाज को भी, जो आने वाला पीढ़ी है वो सुरक्षित होगी, समझदार होगी, जैसे स्कूल हैं कॉलेज हैं सारे कितने ही जो बच्चे जाएंगे बहुत लायक बनेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको बातचीत दिखा रहे हैं, संत जी की समाज में सख्त जरूरत है, ये लगातार लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है, मानना है कि जी सजा पूरे समाज को मिल रही है, ना कि संत जी को। आप लोग भी खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।